Dr. Amar Patnaik. Sir, the action by the ministry to train the Panchayat Raj representatives in management leadership in the one of the topmost management institutes of the country, which is Indian Institute of Management Ahmedabad, is really praiseworthy, sir. So my question is whether the modules include digital education to these political representatives, because on one hand we are trying to increase the intensity of digital footprint in the rural areas, and unless these representatives are actually educated and trained in handling these digital assets, they would not be able to exercise their management skills. So whether this forms a component of the entire leadership program is a suggestion, and also if it is there, then it will be welcome. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से जो पंचायत राज संस्थान के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी दिया जाता है। और वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में 2005 से लेके 2014 तक 27 लाख प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 3,26,00,000 जनप्रतिनिधि को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जनप्रतिनिधि जैसे चुन के आते हैं, 6 महीने के अंदर उनको सामान्य अभिमुखीकरण का प्रशिक्षण, जैसे जनरल ओरिएंटेशन, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर पुनश्चर्या कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायत विकास योजना GPDP, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमारी पंचायतें, लगभग 2.5 लाख पंचायतें GPDP के माध्यम से गांव में जो उनके विकास का प्लान करते हैं, वो GPDP के माध्यम से लोड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पंचायतों ने निश्चित तौर पर आत्मसात कर ली है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हम राजनीति में कहते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, लेकिन हमारी पंचायतें अभी पार्लियामेंट से पंचायत तक इस तरह का काम टेक्नोलॉजी का करने लगे। ये एक तरफ केंद्र सरकार EFMS के माध्यम से पेमेंट करती है, वहीं पे हमारी पंचायतें भी, लगभग 2.5 लाख पंचायतें PFMS के माध्यम से पेमेंट करने लगी। ऑडिट ऑनलाइन भी 100% पंचायतें ये ऑडिट ऑनलाइन करने लगी है। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, वो संकल्प के तरफ हमारी पंचायतें भी आगे बढ़ रही है। हमारी पंचायतें अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी गांव का DPR बनाना हो, गांव की विकास योजना हो, गांव का डेवलपमेंट प्लान बनाना हो, वो सारों को टेक्नोलॉजी का यूज करके पंचायतें आगे बढ़ रही है। इस सदन में कुछ सदस्य हैं जिनका सफर पंचायत से शुरू हुआ और पार्लियामेंट तक पहुंचा, वर्तमान में भी सदस्य हैं।